सोलो दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं न्यूजीलैंड वर्सेस अफगानिस्तान के बीच जो मैच होने जा रही है, 16th मैच ओडीआई की, उसके बारे में। ये मैच कहाँ पे होगी, पिच रिपोर्ट कैसा होने वाला है, वेदर रिपोर्ट कैसा होने वाला है, एवरेज स्कोर क्या जाने वाला है, कौन कौन से प्रोबेबल प्लेयर हमारे लिए खेले जाने वाले हैं, हमारे लिए जो बेस्ट खेलेंगे वो आपको यहाँ पे एक टीम मिल जाता है, ठीक है। और उस टीम में जो है 5 से 6 टीमों का कैप्टन वाइस कैप्टन भी मिल जाता है। तो चलिए देखते हैं ये मैच कहाँ पे हो रही है। सो आगे बढ़ते हैं। सो ये मैच जो है एम ए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में होने जा रही है। वहां की पिच जो है बैलेंस पिच है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे आपको टोटल मैचेस देखने को मिलेगा कि 24 हुए हैं। बैटिंग फर्स्ट करने वालों ने 14 मैचेस विन किए हैं, बॉलिंग फर्स्ट करने वालों ने यहाँ पे 10 मैचेस विन किए हैं, और टोटल टाई जो है अभी तक 0 हुए हैं। एवरेज स्कोर की बात करें तो एवरेज स्कोर यहाँ पे 250 एंड 270 तक जा सकता है। हाईएस्ट टोटल की बात करें तो हाईएस्ट टोटल यहाँ पे 337 7 विकेट के नुकसान पे गया है, ठीक है। हाईएस्ट चेज स्कोर की बात करें तो हाईएस्ट चेज स्कोर यहाँ पे 291 2 विकेट के नुकसान पे रहा है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो स्कोरिंग पैटर्न है वो कैसा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बिलो 200 से नीचे 4 बार यहाँ पे रन बने हैं, ठीक है। और यहाँ पे स्कोरिंग बिटवीन 200 एंड 249 के बीच में 8 बार रन बने हैं, और स्कोरिंग बिटवीन 249 और 299 के बीच में 9 टाइम यहाँ पे जो है रन बने हैं। अबव स्कोर जो है 300 से अबव जो है 3 टाइम यहाँ पे रन बने हैं। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा वेन्यू रिपोर्ट। वेन्यू रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे बांग्लादेश ने 245 बनाए हैं 9 विकेट के नुकसान पे 50 ओवर पे। और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने 199 बनाए हैं 10 विकेट के नुकसान पे 49 ओवर 3 बॉल पे, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें फिर से तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने 269 रन बनाए हैं 10 विकेट के नुकसान पे 49 ओवर में, ठीक है। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया ने 287 बनाए हैं 8 विकेट के नुकसान पे 50 ओवर में, ठीक है। सो अब आ जाते हैं न्यूजीलैंड की, देख लेते हैं न्यूजीलैंड ने कितने रन बनाए हैं। तो यहाँ पे 248 बनाए हैं 2 विकेट के नुकसान पे, और यहाँ पे 42 ओवर 5 बॉल पे, ठीक है। इंडिया ने फिर से यहाँ पे 201 रन बनाए हैं 4 विकेट के नुकसान पे 41 ओवर 2 बॉल पे, ठीक है। इंडिया ने फिर से यहाँ पे जो है 248 रन बनाए हैं 10 विकेट के नुकसान पे 49 ओवर 1 बॉल पे। वेस्ट इंडीज की बात करें तो वेस्ट इंडीज ने यहाँ पे 291 रन बनाए हैं 2 विकेट के नुकसान पे 47 ओवर 5 बॉल पे, ठीक है। अब देखते हैं पेसर्स ने कितने विकेट लिए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा पेसर्स, तो पेसर्स ने यहाँ पे टोटल 8 विकेट लिए हैं, और यहाँ पे पेसर्स ने यहाँ पे फिर से 8 विकेट लिए हैं। फिर यहाँ आ जाते हैं तो यहाँ पे 7 विकेट लिए हैं, और यहाँ पे पेसर्स ने जो है 9 विकेट लिए हैं, ठीक है। तो और स्पिनर ने कितने विकेट लिए हैं, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा स्पिनर्स ने टोटल यहाँ पे 3 विकेट लिए हैं, यहाँ पे 6 विकेट लिए हैं, और यहाँ पे 11 विकेट लिए हैं, और यहाँ पे 1, ठीक है। तो आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं पेसर्स और स्पिनर की रेशियो किस तरह से ये जो बॉलर है यहाँ पे विकेट ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पेसर्स की जो है ज्यादा चलती है, स्पिनर्स की कभी कभी जो है कुछ ज्यादा ही चल जाती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 और 6, ठीक है। और यहाँ पे हर जगह पे आप देख सकते हैं 7 5 7, तो यहाँ पे पेसर्स बॉलर का ज्यादा चलता है। तो आप पेसर्स बॉलर को ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि पेसर्स बॉलर को सिलेक्ट करें, ठीक है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा न्यूजीलैंड का टीम जो प्रोबेबल प्लेयर खेले जाने वाले हैं उसके बारे में, देख लेते हैं कौन कौन से प्रोबेबल प्लेयर खेले जाने वाले हैं। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा डेवन कॉनवे, विल यॉन्ग, रची रविंद्र, डैरियल मिचेल, टॉम लथम, ग्लेन फिलिप, मार्क चैपमैन, मिशेल सेंटनर, मैट हेनरी, लोकी फर्गुसन, ट्रेंट बोल्ट। तो इतने सारे प्लेयर जो है आपको दिख जाएंगे न्यूजीलैंड से खेलते हुए, ठीक है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा रहमतुल्ला गुरबज, इब्राहिम जैतरान, रहमत शाह, हजमतुल्ला साहिदी, अजमतुल्ला उमरजाई, इकराम अलखिल, मोहम्मद नबी, राशिद खान, नवीन उल हक, मुजीबुर रहमान और फजल हक। तो इतने सारे प्लेयर जो है आपको खेलते हुए नजर आ जाएंगे अफगानिस्तान से, ठीक है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा हेड टू हेड मैचेस
और रिसेंट मैचेस की बात करेंगे, किसने कितने मैचेस विन करे हैं और किसने कितने लूज करे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं न्यूजीलैंड ने 2 मैचेस विन करे हैं और अफगानिस्तान ने यहाँ पे 0 मैचेस विन करे। रिसेंट मैचेस की बात करें तो रिसेंट मैचेस में आप सारे के सारे मैचेस विन करे हैं 5 में से। ठीक है, रेशियो देखें अगर 5-5 मैचेस की तो यहाँ पे जो है लास्ट 3 रेशियो देखें तो यहाँ पे 2 लूज करे हैं 1 विन करे हैं, किसने, अफगानिस्तान ने। ठीक है, सो कुछ इस तरह से है रिसेंट मैचेस की परफॉर्मेंस। अब आगे बढ़ते तो यहाँ पे आपको ट्रम्प कार्ड प्लेयर नजर आ होगा जो कि हमें ज्यादा से ज्यादा पॉइंट देने वाला है, इसको आप अपने टीम में जरूर से जरूर सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, जो कि कुछ इस तरह से हो जाता है, डेवन कॉनवे, ट्रेंट बोल्ट, आर गुरुवंश, एच शाहिदी और राशिद खान, तो इसको आप अपनी टीम में जरूर से जरूर रख लीजिएगा। इसको एक तरह से क्या है कि इसको रखना ही है हर टीम में। ठीक है, कहते हैं रिस्की सीवीसी कौन होने वाले, तो रिस्की सीवीसी में आपको कैप्टन वाइस कैप्टन में क्या करना है कि एक जो है कैप्टन आपको कैप्टन या फिर वाइस कैप्टन सेफ रखना होगा। ठीक है, बाकी के जो है बच गए जैसे वाइस कैप्टन और या फिर कैप्टन में जो भी बच गए तो उनको जो है आप रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से जैसे डेविन कॉनवे को आपने रिस्क ले लिया और एम सेंटनर के साथ आप गए तो ये जो है इनके साथ आपने रिस्क नहीं लिया, तो कुछ इस तरह से आपको रखना है ये जो कॉम्बिनेशन है। अगर इस तरह से आप बनाते हैं एक रिस्क वाले और एक सेफ वाले तो आप रिस्की सीवीसी बनाएंगे और आप अच्छा खासा जो है जीएलएसएल इस तरह से विन कर पाएंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से है आर गुरुवंच और ट्रेंट बोल्ट, यहाँ पे ये आपकी रिस्की सीवीसी है। ठीक है, सो अब बात करते हैं सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो यहाँ पे आर रविंद्र और राशिद खान, तो इन दोनों को आपको सिलेक्ट कर लेना है। एच शाहिदी, मुजीबुर रहमान, इनको आपको सिलेक्ट कर लेना है, ये आपके सेफ जोन में आ जाते हैं अगर आप सेफ जोन में खेलना चाहते हैं। ठीक है, सेफ जोन में, तो सेफ जोन में आप खेल सकते हैं। और सेफ जोन में क्या होता है कि आप जो आपने इन्वेस्ट करा वो आपका लूज तो नहीं होगा, लेकिन हाँ जो आपने इन्वेस्ट करा है हो सकता है उतना का उतना ही आपको मिले या फिर कुछ ज्यादा मिले। ठीक है, सो कुछ इस तरह से है अगर आप सेफ में खेलते हैं तो। ठीक है, सो चलिए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कॉमन प्लेयर है, इसको आपको सारे के सारे टीमों में सिलेक्ट करना ही करना है। अगर आप इसे सिलेक्ट नहीं करेंगे तो हो सकता है आप कंपटीशन में पीछे रह जाएं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा कंपटीशन है, काफी लोग कम्पिटिट करते हैं यहाँ पे एक दूसरे से। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो डेवन कॉनवे, ट्रेंट बोल्ट, आई जैदरान, आर गुरबज, मुजीबुर रहमान और राशिद खान, इनको आप सारी टीमों में सिलेक्ट करेंगे और किसी में भी इन सभी को ड्रॉप नहीं करेंगे। ये सारे डीटी प्लेयर है। ठीक है, ये जो है डीटी प्लेयर है, इसको बोलते हैं ड्रीम टीम प्लेयर। ठीक है, तो ये जो है आपको अच्छे खासे पॉइंट दे सकते हैं, अच्छे खासे पॉइंट देंगे और इनके अलावे जो रहेंगे वो आपको SLGL जो है विन कराने में सहायता करेंगे। ठीक है, ये तो आपको पॉइंट देंगे ही देंगे, ये सारे के सारे डीटी प्लेयर हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा GL रोटेटिंग प्लेयर, जो GL आप सिलेक्ट करते हैं, GL टीम बनाते हैं, तो जो हमने अभी आपको बताया ये फिक्स प्लेयर, तो इस फिक्स वाले प्लेयर को तो आपको सिलेक्ट करना ही करना है। साथ में यहाँ पे आ जाते हैं GL रोटेटिंग प्लेयर, तो GL रोटेटिंग मतलब जो आपने फिक्स सिलेक्ट करा उसके बाद जो बच गए उसमें आपको सारे, अगर आप 5 से 6 टीम बना रहे हैं तो सारे के सारे टीमों में आपको रोटेट करना है। तो कैसे, अपने डेवन कॉनवे को, एच शाहिदी को, आर गुरबज को, ए उमरजाई को, ठीक है, ट्रेंट बोल्ट को, राशिद खान को, मिचेल सेंटनर को, जो बच गए हैं प्लेयर जैसे आपने फिक्स प्लेयर सिलेक्ट कराया उसके बाद जो बच गए हैं उसमें आपको इन सभी को सिलेक्ट करना है। जैसे 5 से 6 टीमों में किसी ना किसी को तो आप सिलेक्ट करेंगे, तो इनको आपको सिलेक्ट करना है। ये जो प्लेयर यहाँ पे आपको दिख रहे हैं इसको आपको सिलेक्ट करना है, तभी आप SL और GL दोनों ही विन कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे है बेस्ट फॉर स्मॉल लीग, बेस्ट फॉर ग्रैंड लीग और बेस्ट फॉर डेथ ओवर बॉलर। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं स्मॉल लीग के बारे में। सबसे पहले स्मॉल लीग में कौन कौन से प्लेयर को आपको रखना है वो आपको ज्यादा से ज्यादा पॉइंट दे सकते हैं, कौन से 4 प्लेयर हैं जो हमें स्मॉल विन करा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया डेवन कॉनवे, मिचेल सेंटनर, राशिद खान और रहमतुल्ला गुरबज। ठीक है, और यहाँ पे अब आ जाते हैं ग्रैंड लीग में, तो ग्रैंड लीग में आप यहाँ पे टॉम ब्लंडन, मार्क चैपमैन, रहमत शाह और इकराम अली खेल, तो इन सारे प्लेयर को, इन 4 प्लेयर को आपको ग्रैंड लीग वाले में सिलेक्ट करना है। ग्रैंड लीग में आपको रिस्क लेना होगा
अगर आप रिस्क लेते हैं तभी आप ग्रैंड लीग विन कर पाएंगे। तो ग्रैंड लीग के लिए ये चार प्लेयर हैं, ये आप इन सभी को जरूर से जरूर सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर इनको लाइनअप में नहीं दिखता है, लाइनअप के टाइम में आपको नहीं दिखते हैं, कोई और दिखते हैं, या जिसका सिलेक्शन जो है जीरो है ना, 0% में सिलेक्ट हो रहा है, 1% में सिलेक्ट हो रहा है, 0.0 है, न्यू प्लेयर को खिलाया जा रहा है, तो इसके जगह पे आप उनको सिलेक्ट कर लीजिएगा। जीएल में आपको रिस्क लेना ही होगा, तो उनको आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, तभी आप जो है जीएल विन कर पाएंगे। ठीक है, डेथ ओवर बॉलर की बात करें तो डेथ ओवर बॉलर में यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूजीलैंड में ट्रेंट बोल्ट, लॉकी फर्गसन को आपको सिलेक्ट कर लेना है, ये आपको ज्यादा से ज्यादा पॉइंट दे सकते हैं ट्रेंट बोल्ट और लॉकी फर्गसन, और फजल हक जो है इनको आप सिलेक्ट कर लेंगे। पेसर्स बॉलर को ज्यादा सिलेक्ट करना है क्योंकि इस पिच पे जो है पेसर्स बॉलर का बोलबाला रहता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की बारी है, कैप्टन वाइस कैप्टन किसे सिलेक्ट करना है अगर 5 से 6 टीम बना रहे हैं या फिर उससे अधिक टीम बना रहे हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से प्लेयर नेम है, जैसे टॉम बंडल, एच शाहिदी, आर गुरबज, डैरियल मिचेल, राशिद खान, मिचेल सेंटनर और डेवन कॉनवे, तो इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सभी को आप कैप्टन वाइस कैप्टन सिलेक्ट करेंगे कुछ इस तरह से, जैसे फर्स्ट टीम का इन दोनों को आपने कैप्टन वाइस कैप्टन बना लिया फर्स्ट टीम का, सेकंड में आप गुरबज और डैलियर मिचर को बना लिया आपने, ये सेकंड टीम का कैप्टन वाइस कैप्टन, और फिर यहाँ पे डैरियल मिचर और टॉम बंडल में आप चल गए, तो ये जो है थर्ड टीम का हो जाता है। तो इसी तरह से आपको रोटेट करना है एक दूसरे से। ठीक है, जब आप रोटेट करेंगे तभी आप 5 से 6 टीमों में रोटेट करने के बाद एक ना एक में आप अच्छा खासा जो है विन कर जाएंगे, और अच्छे से आप अगर इसे सजा लिए, रोटेट कर लिए, तो आप वो जो है जीएल भी विन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा एक टीम, प्रॉपर टीम। ठीक है, इस टीम में आपको मिल जाते हैं 5 से 6 टीमों का कैप्टन वाइस कैप्टन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमने आज किसे सेलेक्ट करा है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा डेवन कॉनवे, आर गुरबज, डैरियल मिचेल, के विलियमसन, आई जदरान। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमने सेलेक्ट करा है। विकेट कीपर में डेवन कॉनवे, गुरबज, बैटर में डैरियल मिचेल, विलियमसन और जदरान। अब आ जाते हैं ऑलराउंडर में, उमर जाई, रशि रविंद्र और एम सेंटनर, ये तीनों को हमने सेलेक्ट करा है। आप चाहें तो इनकी संख्या बढ़ा सकते हैं, जैसे कल की मैच में आपने देखा होगा कि एक बैटर था, बाकी के सारे बॉलर थे, वो सारे डीटी प्लेयर में थे। ठीक है, तो आप यहाँ पे किसी एक को रख सकते हैं, जैसे यहाँ पे आई जदरान को रख लिए, विलियमसन को रख लिए, और बाकी के जो है ड्रॉप करके हमने यहाँ पे ज्यादा सेलेक्ट कर लिया ऑलराउंडर या फिर बॉलर में। तो कुछ इस तरह से आपको कर लेना है सारी टीमों में। ठीक है, 5 से 6 टीम अगर आप बना रहे हैं तो। और यहाँ पे एम हेनरी, ट्रेंट बोल्ट और एम यू रहमान, मुजीबुर रहमान, ठीक है, इनको आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से आपका टीम बन के तैयार हो जाएगा, और टीम बन के तैयार होने के बाद बारी है 5 से 6 टीमों का कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने की। तो एक टीमों का कैप्टन वाइस कैप्टन आपको यहाँ पे मिल जाता है, जैसे डेवन कॉनवे और मिचेल सेंटनर को हमने बना रखा है। ठीक है, तो ये आपके फर्स्ट टीम के कैप्टन वाइस कैप्टन हो जाते हैं, और गुरबज और कॉनवे को बना लेंगे, ये आपके सेकंड टीम के कैप्टन वाइस कैप्टन हो जाते हैं। ठीक है, विलियमसन और यहाँ पे मिचेल को बना सकते हैं, ये आपके थर्ड टीम के कैप्टन वाइस कैप्टन हो जाते हैं। सो कुछ इस तरह से है, जदरान और गुरबज को बना सकते हैं, ये आपके फोर्थ टीम के कैप्टन वाइस कैप्टन हो जाते हैं। अब आ जाते हैं ऑलराउंडर और बॉलर में, किसे कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पेसर्स का चलता है और एक एक बॉलर जो है ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 विकेट ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उमर जाई, रशि रविंद्र को बना सकते हैं एक में। ठीक है, ये आपके फिफ्थ टीम के कैप्टन वाइस कैप्टन हो जाते हैं। और इसके नीचे जो है बॉलर में आते हैं, तो यहाँ पे ट्रेंट बोल्ट जो है आज और मुजीबुर रहमान जो है बहुत ज्यादा चल सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को आप सिलेक्ट कर लीजिएगा कैप्टन वाइस कैप्टन में, ये आपके सिक्स टीम का कैप्टन वाइस कैप्टन तैयार हो जाता है। ये जो हमने कैप्टन वाइस कैप्टन दिए काफी अच्छा है, आप चाहे तो इसे पॉज करके देख सकते हैं, टीम बना सकते हैं, और चाहे तो पहले फ्री वाला कॉन्टेस्ट जो है अप्लाई कर सकते हैं, उसमें खेल के देख सकते हैं। ठीक है, सो कुछ इस तरह से है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, और इस खेल में जो है वित्तीय जोखिम शामिल है, कृपया अपनी जिम्मेदारी और सावधानी से खेलें। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब करिए। आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद, जय भारत।